हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ केले की करी। तो मैंने करी के लिए यहाँ पे टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची, धनिया पत्ता ले लिया है। और केले को मैंने काट के गर्म पानी में थोड़ा सा हल्दी मिक्स करके उसमें डुबो रखा था। तो मैंने इसको निकाल लिया है। तो चलिए पहले सब्जी को काट लेते हैं, उसके बाद शेयर करते हैं। मैंने सब्जी को काट लिया है। अभी इसको मिक्सी जार में डाल के इसको मिक्सचर कर लेते हैं थोड़ा सा पानी डाल के। देखिए मैंने इसको जार में भी डाल लिया है, इसमें अभी थोड़ा सा पानी ऐड करके मिक्स कर लेंगे। चलिए इसको मिक्सी में चला देते हैं। तेल गर्म हो गया है, इसमें थोड़ा सा कलौंजी डाल देंगे और फिर ये मिक्सचर किया हुआ मिक्सचर डाल देंगे। दो तीन मिनट के लिए इसको हम ऐसे ही चला लेंगे। इसका पानी थोड़ा सा सूख गया है, इसमें भी हम मसाला ऐड कर देंगे। नमक एक चम्मच, थोड़ा सा मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। अभी मैं इसमें मैंने मिक्सचर को थोड़ा सा पानी से धुल के पानी कर लिया था, इसको भी इसमें ऐड कर दूँगी, नहीं तो फिर मेरा मसाला जल जाएगा। तो थोड़ी देर पका लेते हैं, जब तक ये साइड से थोड़ा तेल छोड़ने ना लगे तब तक इसको पका लेंगे। यहाँ पे मसाला हमारा पक चुका है, इसमें अभी हम केला डाल देंगे। अभी गैस को मीडियम फ्लेम पे करके इसको मैं ढक के 2 से 3 मिनट के लिए पका लूंगी। मैंने लीड हटा लिया है, इसमें भी थोड़ा सा चीनी ऐड करेंगे। इसको चला लेंगे। केला थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, मैंने चीनी डाला है, तो इसको मैं 1 मिनट के लिए और लीड लगा के पका लूँगी। केला थोड़ा सॉफ्ट हो गया, अभी हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। मैंने इसमें पानी मिक्स कर दिया है, अभी मैं इसमें लीड लगा के 2 मिनट के लिए उबाल आने तक छोड़ दूंगी। सब्जी हो गई है, इसमें हम गरम मसाला ऐड करेंगे। इसमें 1 चम्मच गरम मसाला ऐड किया है, अब इसको मिक्स कर देंगे। अभी गैस बंद करके हम इसको 2 मिनट ऐसे ही अंदर से छोड़ देंगे लेड लगा के। मैंने लीड हटा लिया है, अभी इसको हम प्लेटिंग कर लेते हैं।
देखिए मैंने ऊपर से धनिया पत्ता डाल दिया है, तो हमारा केले का सब्जी रेडी हो गया है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी तो आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर देना और मेरे चैनल को सपोर्ट कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।